दोस्तों, मैं हूं सिलन और आप देख रहे हैं मोटर राइडर्स। आज का ब्लॉग काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम राइड कर रहे हैं सातों से शान रिजॉर्ट, जो कि काफी अच्छा प्लेस है और इधर से लगभग 76 किलोमीटर अवे है। तो फिर चलते हैं, देखते हैं कैसा प्लेस है। और एक चीज, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को टिक कर देना लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए। और अभी तक आप लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मोटर राइडर्स। मैं अभी नायर पर पहुंच चुका हूँ। लगभग 10 किलोमीटर का राइड कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। और अभी भी मंजिल 60 किलोमीटर दूर है, 60 या 65। मैं 10 किलोमीटर के रास्ते निकल गए हैं। वहां से एक टनल है, वहां से मैं टनल लूंगा। फाइनली हम आकर मैलपुर पे पहुंच चुके हैं। काफी अच्छा एरिया है और जो रोड से मुझे काफी इंप्रेसिव लगा, ये MS 57 है जो खोर्धा से लेकर बलांगीर तक जाता है। काफी अच्छा नजारा देखने को मिल जाता है इधर, आप खुद देख सकते हो कितना अच्छा नजारा है। मस्त लग रहा है यार। बहुत ही खूबसूरत एरिया है, ये देख सकते हो मंकीज, कितने सारे मंकीज है इधर। माय गॉड, माय गॉड। भाई को यहाँ से पिकअप करके जा रहा हूँ और इधर नुआ गांव पे मैं हूँ और ये दो भी मेरे साथ है। ये हेलमेट नहीं पहना है, साला पुलिस पकड़ेगा तो फाइन लगेगा। और तो फिर चलते हैं आखिरी डेस्टिनेशन पे, चलेंगे चलेंगे। फाइनली इधर काफी अच्छा अच्छा प्लेस है, तो फिर इधर थोड़ा फोटोशूट करते हैं, फोटोशूट करके देखते हैं। ये देखिए कैसे देख रहा है फोटोशूट करने के लिए, थोड़ा स्माइल कर दे। शाबाश 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 रॉबी शाबाश। यार इस जंगलों के बीच में राइड करते हुए काफी अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा रास्ता है और बड़ा प्यारा दिख रहा है व्यू। आप भी खुद देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। मेरा फ्रेंड की बाइक पे थोड़ा पेट्रोल कम था इसलिए पेट्रोल भरने के लिए गया है उधर। और इधर हम गणिया पर है और फाइनली हमारे डेस्टिनेशन पे अभी निकलेंगे और यहीं से डेस्टिनेशन पे निकलेंगे। तो फिर चलते हैं डेस्टिनेशन पे और आपको दिखाता हूँ कि कैसा है सातकोसिया, मतलब कितना अच्छा है और कितना अच्छा व्यू मिलता है। तो फाइनली हम शान रिजॉर्ट के पास में पहुंच चुके हैं। फिर आप देख सकते हैं
इतना अच्छा व्यू है। इधर सात अगस्त पे मेला लगा हुआ था और हम काफी सारा खाना खा चुके हैं और अभी निकलने वाले शान रिजॉर्ट के लिए, तो फिर चलते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, खत्म करते हैं। थैंक यू। फाइनली हम निकल रहे हैं शान रिजॉर्ट के लिए। ये आप नदी देख सकते हो और कितना अच्छा व्यू मिल रहा है इधर, बहुत ही अच्छा व्यू, मतलब जन्नत पे आ गए हैं यार। मेरे चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं और भी अच्छा भी ज्यादातर जाकर आपको ब्लॉग बना के दूंगा और काफी अच्छा ब्लॉग बनाऊंगा यार सच्ची में। फाइनली अभी हम सातों को शान रिजॉर्ट पर है और इधर कुछ टिकट करना पड़ता है अंदर जाने के लिए, और ये जो सारे हमें काफी हेल्प किए सर, आपका नाम जरा बताइए। लक्ष्मी नारायण पंडा है सर, सर का नाम लक्ष्मी नारायण पंडा है, जो कि काफी अच्छा है और बहुत ही हेल्प किया मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सब्सक्राइबर को जरा हाय बोल दीजिए, हाय हाय, थैंक यू सर। ओके, इधर आकर कुछ टिकट करना पड़ता है पर हेड 30 रुपीज के हिसाब से, और उन सार का बोलना था कि इधर काफी अच्छा व्यू मिलेगा आपको, और तो फिर चलते हैं। और इधर हम 8 किलोमीटर या फिर 9 किलोमीटर काफी प्यारा प्यारा व्यू है इधर, मजा आ रहा है बहुत। थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है इसके वजह से, 3 बज चुके हैं यार। काफी मेहनत के बाद आखिरकार हम लोग पहुंच गए इधर, और इधर काफी अच्छा व्यू है। रास्ते पे बहुत सारा प्रॉब्लम आया और तब भी मैं वीडियो क्लियर कर रहा हूँ, तो फिर अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल। और चलिए आपको मैं व्यू दिखाता हूँ कि कैसा व्यू है और कैसा आ रहा है। Thank you.
फ्रेंड्स, आप सातोकोशिया सैंड रिजॉर्ट के व्यू देख सकते हो। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इसे और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा। और एक चीज़, आज मुझे रास्ते पे बहुत परेशानी आई और मोटर व्लॉग करना इतना आसान नहीं है, मैं जितना सोच रहा था काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो तब भी मैं आपके लिए वीडियो ला के बना के लाऊँगा, और मुझे आगे जाने के लिए आपका सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और आगे का व्यू आप एंजॉय कर सकते हो। जो पीछे मेरा देख पा रहे हैं आप, ये सातोकोशिया का रिवर है, जो कि काफी अच्छा लगा मुझे। मेरे पर्सनली बताऊं तो मैं इस रिवर को देखने के लिए आया था, और चलते इस रिवर का व्यू देखते हैं कैसा है। और मैं इस रिवर के व्यू के बारे में आपको बताऊंगा, नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही देख लीजिए कितना अच्छा व्यू है और किस तरह का व्यू है इसका रिवर।
इधर रिवर के पास एक गेट है और भाई बोल रहे कि इससे आगे हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि अप्रोवाइटेड एरिया है और इधर हम बाइक रोक दिए हैं और इससे आगे नहीं जा सकते। और वीडियो को मुझे यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा और सबसे बड़ा चीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक ज़रूर करना और डिसलाइक का वजह भी कमेंट सेक्शन पर बता दीजिए। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मोटर राइडर्स, प्लीज सब्सक्राइब टू मोटर राइडर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।